बीच एक बड़ी खबर, देश के 7 राज्यों में तेजी से बर्ड फ्लू अपने पांव पसार रहा है। देश के 7 राज्यों में तेजी से जो बर्ड फ्लू का संक्रमण है वो एक गंभीर विषय बन चुका है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जालंधर, आपको बता दें कि 8 सैंपल जो है वो भेजे गए, पॉजिटिव मिले हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल में बर्ड फ्लू का जो प्रकोप है वो हो चुका है। राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू के चपेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। कानपुर चिड़ियाघर में पक्षी संबंध में मारे जाएंगे, एक संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है। देश के 7 राज्यों में तेजी से जो बर्ड फ्लू है वो फैल रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना के बाद में अब लोगों के मन में दहशत भी बढ़ चली है एक नए संक्रमण बर्ड फ्लू को लेकर। देश की राजधानी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि। चलिए अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, कोरोना संक्रमण के बाद में एक नई दहशत यहां पर बर्ड फ्लू के दस्तक के साथ में ही आ गई है। देश के 7 राज्यों में पुष्टि हो चुकी है, राजस्थान में भी उसमें शुमार है। क्या पूरी अपडेट लोकेश? लोकेश, देश के 7 राज्यों में कोरोना वायरस के बाद में एक नई दहशत ने अपनी दस्तक दी है। यहां पर बर्ड फ्लू के नाम की जो संक्रमण है वो तेज गति से फैल रहा है, राजस्थान में उन राज्यों में शुमार है। क्या पूरी अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल, देश भर में तेजी से बर्ड फ्लू का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। देश के तकरीबन 7 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू के जो पॉजिटिव केस है वो सामने आ चुके हैं। पक्षियों की लगातार बर्ड फ्लू से मौत होती जा रही है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के भी 11 जिलों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। सिरोही, प्रतापगढ़ में भी कई जगह पर जो पक्षियों की मौत है वो सामने आई है। तकरीबन अब तक बात करें तो राजस्थान के 24 जिलों में जो पक्षियों की जो मौत की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी तक 11 जिलों में राजस्थान में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें 7 राज्यों में, जिसमें हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू की जो शिकायत है वो सामने आई थी और बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हो रही है। इसको देखते हुए ही दिल्ली में जो कुक्कुट पालन के जो उत्पाद हैं उनको बेचने की पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। साथ साथ राजस्थान में भी जिस तरह से बड़ी संख्या में जो पक्षियों की मौत हो रही है, ऐसे में उसका प्रकोप देखते हुए जो उसमें कुक्कुट में नहीं आए यह प्रकोप, उसको लेकर भी पूरी तरह से विभाग की ओर से कोशिशें की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो विभाग राजस्थान में काम कर रहा है उसको लेकर कहा नहीं जा सकता है कि पूरी तरह से सख्ताई से काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से तकरीबन 29 दिसंबर को राजस्थान में पुष्टि हो चुकी थी कि झालावाड़ में जो कौओं की मौत हुई थी वो बर्ड फ्लू के चलते हुई थी, लेकिन उसके बाद से कुछ विशेष मास्टर प्लान राजस्थान में अभी तक तैयार नहीं किया गया है ताकि जो बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत, पक्षियों को बचाया जा सके। हालांकि जिस तरह से जो रिपोर्ट आई है, जो सैंपल भोपाल लैब में भेजे गए थे उसमें अब तक 11 जिलों की जो जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। साथ साथ तकरीबन जो कल जो पक्षियों की मौत आई है जिसमें 24 जिलों में तकरीबन 500 के करीब जो पक्षियों की मौत हुई थी, लेकिन अब तक राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में 32 जिलों में अब तक तकरीबन 3000 के करीब जो पक्षियों की मौत है वो हो चुकी है। ऐसे में जिस जो बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत होना एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसमें दिल्ली में हाल ही में जो मुर्गियों के बेचने और होलसेल जो बाजार था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, और इसी तरह बर्ड फ्लू को देखते हुए ही कानपुर के चिड़ियाघर में पक्षियों को मारा जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो पक्षियों की जो त्रासदी सामने आ रही है उसी को देखते हुए ही सरकार की ओर से कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। राजस्थान में जिस तरह से 11 जिलों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन तकरीबन 32 जिलों में जो पक्षियों की मौत का मामला अब तक सामने आ चुका है।
लेकिन भोपाल लैब ने अब जो बर्ड फ्लू के जो सैंपल भेजे जा रहे थे उन सैंपल को लेने से मना कर दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर देश भर से सैंपल है बर्ड फ्लू के लिए, वो जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसमें जांच कैपेसिटी कम होने के चलते भी जो बर्ड फ्लू की जो अन्य राज्यों से भेजी जा रही रिपोर्ट है उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन इसको लेकर भी राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में विशेष कदम उठाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कई जिलों में जो लैब है वो बनाई गई है, लेकिन उसमें अभी तक जो जांच की जो सुविधा है वो शुरू नहीं की गई है। ऐसे में राजस्थान सरकार और पशुपालन विभाग को भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है राजस्थान में, क्योंकि एक जो मास्टर प्लान जब तक राजस्थान में तैयार नहीं होता तब तक बर्ड फ्लू का जो प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है उसको काबू में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से 25 दिसंबर को पहली बार झालावाड़ में सामने आया था कि जो पक्षी कौओं की मौत है वो हुई है, उसके बाद में 27 दिसंबर को उनके सैंपल भेजे गए थे, 29 दिसंबर को पुष्टि हुई, लेकिन अभी तक जो 11 जिलों में पुष्टि हुई, लेकिन 11 जिलों में अभी तक किसी तरह से जो लेब जी लोकेश बिल्कुल यहाँ कड़े और त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता राजस्थान में भी है, चूंकि कोरोना संक्रमण से यहाँ सभी उभरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में एक नया संक्रमण आना बेहद ही चिंता का विषय यकीनन है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।